ये देखिए आज ये मुल्ला जी बन के जा रहे हैं। सही बात यहाँ बताओ अकेले मैं, अकेले जा रहे हैं, मुझे छोड़ के मुझे लेके नहीं जा रहे खुद हैं। तो तो बिरयानी बिरयानी पिया पिया लेंगे लेंगे जाके, जाके और और मैं मैं कह कह रही रही मेरे मेरे लिए लिए बिरयानी बिरयानी ला ला दो, दो, तो तो बिरयानी बिरयानी बिन बिन ना ना रहे। रहे। तुम्हारे का स्प्रे भी रह गया, स्प्रे भी नहीं है। और 1.5 साल बाद इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम धूप तो कम हो मार रहा है। रखे कर रहो ऐसे, ठीक है मैं मार रही हूँ, ऐसे रखे रहो ना, मुझे एक्सपीरियंस है। वहां पर अच्छा मैंने फोन करा था तो तुमने ये काम पकड़ा दिया कि पकौड़े बना लो है तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा था ना, और छोड़ के जाओ, मुझे छोड़ के गए थे ना मुझे, क्या अकेले मजा रहो घर पे, मजा ले घर रही की हो तुम। रखवा के कशा जा रही है आज, कहाँ जा रही हो? ये दावत में जा रही है। अच्छा अपने बाल तो दिखा दो पीछे, ये देखिए के कशा ने आज बाल लगाए। इधर आना, इधर आओ, नकली वाले बाल है ये नकली वाले बाल लगाए। तो फ्रेंड्स अभी सभी लोग ना दावत में जा रहे हैं और मैंने जा रही क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, और ये भी जा रहे हैं और अभी तक तैयार नहीं हुए आप। फ्रेंड्स सभी ना हमारे शादी में जा रहे थे ना दावत में, तो ये दोनों टी शर्ट में समझ नहीं आ रही कौन सी पहने। फाइनली डिसाइड कर लिए इन्होंने कौन सी पहने, तो इन्होंने फाइनली ये ड्रेस पहन ली है। ये देखिए आज ये मुल्ला जी बन के जा रहे हैं। सही बात बताओगे, अपना हेलमेट डाल के जाऊंगा अपना सिग्नेचर। ये देख लीजिए कैसे यहाँ अकेले अकेले जा रहे हैं, मुझे छोड़ के मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, और खुद अकेले तो जा रहे हैं, बिरयानी अकेले पिया अकेले जा लेंगे रहे हैं। जाके, और मैं कह रही मेरे लिए बिरयानी ला दो, तो अरे जा बिरयानी रहे बिन हैं ना तो रहे। बिरयानी बिरयानी पता लगे वहां बिरयानी छोड़ो कोरमा मिले। मेरे को छोड़ के जाओगे तो ऐसे ही होएगा। हेलमेट कहाँ है, कुछ देखा कहाँ है हरविंद हेलमेट? होगा, इधर होगा इसमें क्यों बोरा। और आज ये हम स्प्रे यूज करने वाले हैं 1.5 साल बाद इसमें एक ही बार का स्प्रे भी रह गया, स्प्रे भी नहीं है और 1.5 साल बाद इस्तेमाल हो रहा है, ये 1.5 साल बाद ही नहीं हो रहा क्योंकि फिर भी एक ही स्प्रे रह गया। जब नहीं इस्तेमाल ही नहीं ये हुआ तो एक यूज ही स्प्रे नहीं रह गया। होता ना, आज तुम्हारा पता नहीं कैसा मन कर गया तो इसलिए आज ये यूज करा जा रहा है। ये सब सोच रहा था खत्म हो गया खत्म हो गया, पर फाइनली अभी भी इसमें, अभी तो पता ही है कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेते, अभी भी इसमें तुम्हारे है कहने थोड़ा मतलब सा क्या, मैं कंजूस हूँ? थोड़े थोड़े ले आओ। इतना बदनाम मत कर यूट्यूब के सामने मेरे को, ले मारा के स्प्रे। देखो कंजूस इंसान तो बढ़िया होता है, तुम पता नहीं तू है मक्खी चूस बता चाहती मुझे, कंजूस नहीं। तुम हाथ रखे रहो ऐसे, ठीक है मैं मार रही हूँ, ऐसे रखे रहो ना, मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि पार्लर वाली ने मेरा करा है अरे थोड़ा मानना है। बस हाँ बस। मैं उसे बात इतनी देर 10 मिनट से देख रही हूँ, शीशे में देखा देख लगा बाल को अपने ये अभी फुप्पी केकशा सब लोग दावत में जा रहे हैं। अभी देखिए सब लोग जा रहे हैं दावत में, सब उधर गए, रख लेना ये देखिए इधर भाजी उधर गई है। समझा रहे हाय, अब हाय कर रही के जब जा रही है कह रहे बाय। देखिए अभी मैं और अद्दा और अफान नहीं जा रहे हैं, तो मेरी तबीयत सही है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, तो चलिए अभी सब लोग जा रहे हैं, दिखाते हैं जरा। पेड़ कितना छोटा सा लग रहा है, गाड़ी साफ कर रहे हैं, ज्यादा टाइम गाड़ी साफ कर रहे हैं। देखिए अद्दा बैठे हुए हैं, सब कुछ है, 6 बजे के टाइम का भी 6 बज रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता हो कि अभी सभी लोग दावत में गए हुए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रही हूँ, तो मैंने थोड़ी देर मैंने कहा सभा का ब्लॉग देख लूँ, और मुझे अभी ईशा की नमाज भी पढ़नी है, तो अभी मैंने फ़ोन करा था अभी के पास, मैंने कहा कितनी देर लगेगी,
तो कहने लगे हाँ आ रहे हैं। फिर कहने लगे कि क्यों क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कह रहा ठीक है आ रहे हैं, अब देखो आ रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तब तक तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो बिल्कुल फारिग हो जाऊँगी। तो चलिए मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं फ्रेंड बता ही रही थी आप लोगों को, और जस्ट वीडियो बनाते बनाते अभी का फ़ोन आ गया। तो अभी बोल रहे कि ना हम लोग आ रहे हैं तो सबके लिए पकौड़े बना लो प्याज के, तो मैं अभी वही बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए पकौड़े बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सोचूँ पहले ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद करूँगी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बनाऊँगी पकौड़े। तो चलिए जब तक उन्हें टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, और मेरी नमाज भी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो मेरे जो मैं बता रही थी आप लोगों की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मेरे ना बैक पेन हो रहा है। और मैंने पूरी नमाज़ बैठ बैठ के पढ़ी है नमाज़, आज मैंने खड़े होकर शुरुआत में कोशिश करी पर पेन इतना हो रहा था, फिर मेरे को पूरी नमाज़ बैठ के ही पढ़नी पड़ी। तो चलिए अल्लाह तो कबूल कर ही लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि जब मजबूरी होती है इंसान की फिर उसे मतलब करने पड़ता है, ऐसे बैठ के नमाज़ पढ़ने पड़ती है। वैसे तो हमें खड़े होकर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, पर जब कोई मजबूरी आती है तो बैठ के भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह कबूल कर लेंगे। अभी मुझे बनाने हैं पकौड़े, तो चलिए पकौड़े बना देते हैं चलकर। अभी लोग ये लोग अभी आए भी नहीं है, मेरी ईशा की नमाज़ भी हो गई है। मुझे लग रहा था ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी, पढ़ते पढ़ते शायद आ जाएं, तो ईशा की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली और अभी तक तो नहीं आए हैं। तो अगर मेरे पकौड़े ही बन जाएंगे वो लोग नहीं आ पाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं चलकर। देखिए हमारे पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, दो तरीके के बनाए मैंने, एक ये और एक ये। देखिए तुमने ऑर्डर करा था, मैंने पकौड़े बना लिए, अब खाओ पकौड़े। ये बताओ तुम्हारे पास, अच्छा मैंने फोन करा था है तो तुमने ये काम पकड़ा दिया कि पकौड़े बना लो है। तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा था ना? अच्छा तो ये काम देना था तुम्हें, टाइम पास भी तो करना था तुम्हारा। तो ये बताओ तुम दावत में क्या खाने गए थे, जब पकौड़े यहाँ खाने हैं तो? अरे दावत ही पूछो मत यार, और छोड़ के जाओ मुझे, छोड़ के गए थे ना मुझे, क्या क्या कराओ घर पे, घर की रखवाली करो, अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू फिजा की लाइफ में। तो फ्रेंड्स आज जो है नेक्स्ट डे है और मैं अपने ब्लॉग का ना स्टार्टिंग सवाल लो अभी से ही कर रही हूँ, वो तो कल का था जो भी था रात का सीन। और फ्रेंड्स ब्लॉग जो कुछ दिनों से नहीं बना रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था रात में कि मेरी थोड़ी सी बैक पेन फिर से चालू हो गया, जो पिछला वाला था वही हो गया है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, तो चलिए मैंने खा रही हूँ नाश्ते में। क्या कर रही हूँ, पीने जा रही थी ये दूध, और ये भी बहुत बड़ी मजबूरी है क्योंकि मेरे बैक पेन वगैरह हो गए, तो इसके लिए थोड़ा सा दूध जो है कैल्शियम देता है और अच्छा होता है, पीना चाहिए। मैं नहीं पीती क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर यह है जब मजबूरी आती है तो क्या कर सकते, पीना तो पड़ेगा ही। तो अभी पी रही हूँ मैं दूध को। और फ्रेंड्स मैंने अभी लगाई थी मशीन, तो पता क्या हुआ, चलो दिखा, मशीन को चल रही है और घूम ही नहीं रही है, अल्लाह इसे मशीन ने इतना परेशान कर रखा है। फाइनली चलने लगी, देखो मैंने इसमें थोड़ा अनमर जमर करा तो चलने लगी। तो ये हुआ, मैं मशीन जब भी लगाती हूँ ना, वैसे तो मैं मशीन लगाती नहीं हूँ, मैं हाथ से ही ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ, पर मैं जिस दिन मशीन लगा लूँ ना, समझना कुछ ना कुछ होने वाला है इसमें। तो उससे बढ़िया मैं कहती हूँ कि हाथ से ही धो लूँ। तो आज ना कपड़े बहुत ज़्यादा थे इसलिए, और मेरा बैक पेन भी हो रहा था, तो मैंने कहा मशीन से लगा लूँगी तो जल्दी धुल जाएंगे, बैठ कर टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फिर मशीन ही लगा ली है। तो अभी जल्दी से कपड़े वगैरह धोकर, और मुझे दवाई लेने के लिए भी जाना है आज, इतना सारा काम है और जल्दी जल्दी से हो जाए। तो चलिए अभी मैं ज़रा दूध वगैरह ही पी लेती हूँ, जो कि थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ जाए, और मशीन तो लगी, मशीन लगा लो के फिर हम जाएंगे दवाई लेने के लिए। और अभी अभी काम पे गए, फिर वो जब आ जाएंगे फिर हम जाएंगे दवाई लेने। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बकरा ईद भी आने वाली है और चांद की 3 तारीख हो चुकी है, ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा तो तारीख जो आगे पीछे हो जाएगी, पर चांद की 3 तारीख हो चुकी है। ये जो 10 दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, आप इन 10 दिनों में जितनी हो सके इबादत करिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, और जितना हो सके आप इबादत करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें रोज़े भी आप रख सकते हैं, 10 के 10 दिन रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई नहीं रख सकता है, कोई मजबूरी है नहीं रख सकता, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरी दवाई की वगैरह से मुझे टाइम पर टाइम लेने पड़ती है दवाई,
इसलिए मैं नहीं रख सकती, पर मैं लास्ट के 2 रोज़े ज़रूर रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह सब कुछ संभाल लेंगे, जो हम कोई किसी चीज़ की नियत करते हैं तो अल्लाह साथ देते हैं। तो जो 2 रोज़े हैं वो तो मैं इंशाल्लाह लास्ट के रखूँगी, और ये 2 रोज़े तो आपको ज़रूर ही रखने चाहिए। वैसे तो 10 रोज़े फ़र्ज हैं, पर फ़र्ज नहीं है मतलब 10 रोज़े ही रखने चाहिए, पर नहीं इंसान रख पाता है, होता है किसी की दवाई की होती है या किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है इसलिए नहीं रख पाते हैं। तो लास्ट के आप 2 रोज़े ज़रूर रखिए और इंशाल्लाह मैं भी रखूँगी। तो बस ब्लॉग में जो है अच्छे ब्लॉग आने वाले, और आप लोगों को मैंने बताया था कि ईद पे हमारे घर पे दावत होगी तो काफ़ी चहल कर रही है, सब कुछ दिखाएंगे ब्लॉग में, बस बने रहिएगा ब्लॉग में, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल जो है वही दिखाएंगे, पर जो भी जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 2000 years later. अभी फ्रेंड्स कपड़े वगैरह जो है ना वो धुल चुके हैं, और धुलने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। तो नहाने के बाद सीधे पड़ी मैंने नमाज जहर की, अब जहर की नमाज के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी मुझे दवाई लेने जाना है तो मैं कुछ खा भी लेती हूँ, फिर उसके बाद दवाई लेने जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ, और धूप इतनी तेज़ हो रही है, देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है, पर जाना तो पड़ेगा। मैंने शूज़ पहने हैं क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं पहले गई थी ना तो अब मेरे ना मैंने चप्पल पहन ली थी, स्लीपर पहन के गई थी मैं, और मेरे पैर जले गए थे। इधर लाइट गई हुई है तो कॉल की हुई, पता नहीं क्या हो रहा है, सामान वहाँ रखा जा रहा है, कॉल को सामान रखा जा रहा है। लेकर आ चुकी हूँ, ये मेरी दवाई। और फ्रेंड्स कहते हैं ना तब लाइट नहीं आ रही थी, और अभी भी लाइट नहीं आ रही है, तो इन्वेटर से चल रही है, पता नहीं ये लाइट वाले को क्या हो गया। कल पूरी रात लाइट नहीं आई, 2 बजे से चली गई थी, 5 बजे के आसपास लाइट आई थी, और ऐसी पूरी रात हो गई। रात में बड़ी दिक्कत होती है, नींद भी नहीं आती है, और ऊपर से लाइट चली गई तो और ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी। तो कल तो पूरी रात ऐसे ही हो गया, और दिन में भी ऐसे ही हो गया। समझ लो जब से मैं दवाई लेने गई हूँ तब की लाइट गई हुई है, और मुझे मैं गई थी 2 बजे की तरह, और अभी बज रहे हैं 4 बजने जा रहे हैं, तो समझ लो 2 घंटे हो गए हैं लाइट गए हुए। तो ये लाइट वाले को पता नहीं क्या हो गया, लाइट ही नहीं दे रहा, तो वैसे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से लाइट नहीं दे रहा। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारे इन्वर्टर लगा है, तो ये है एडजस्ट हो रहा था, फ़ैन वगैरह चल रहा था तो हो जाता गुजारा। पर जिनके बेचारे को लाइट नहीं है, जिनके काम होते हैं लाइट से, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर से आ रहे हैं तो हमें पता है कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है, और जो बाहर काम करते हैं ना उनको तो हैट्स ऑफ जो इतनी गर्मी में काम करते हैं। और आप मेरी भी हालत देख रहे हो, थोड़ी डाउन डाउन सी लग रही है क्योंकि बहुत वीकनेस आ गई, और फिर बाहर से भी आए हैं, तो मैं अब आराम करूँगी। फिर आराम करने के बाद शाम को मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ, फिर जो अगला ब्लॉग होगा फिर जल्दी आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे होंगे, तब तक लगभग फिजा को दुआ में याद रखिए, फिर हमारे का।